अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7। बहुत ही इजी पार्ट है। एक इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है, दूसरी वाली सिंपल लीनियर इक्वेशन जिसकी पावर 1 होती है। तो लाजमी सी बात है हम वो इक्वेशन लेंगे जिसकी पावर 1 है। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो 2 अपॉन वाई हो जाएगा। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब इसी इक्वेशन को स्टूडेंट्स कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। अब पहले तो इक्वेशन 1 लिख लें आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। अब x की जगह क्या पुट होगा, x की जगह पुट होगा 2 अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसको ओपन करेंगे हो जाएगा 4 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। अब इसके नीचे क्या है, 1 है, इन दोनों का एलसीएम ले लें, क्या आएगा वाई स्क्वायर, इनका एलसीएम होगा। अब वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, 1 4 4। वाई स्क्वायर को 1 से डिवाइड कीजिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 प्लस वाई 4 इज इक्वल टू 5 वाई स्क्वायर। अब इसको अरेंज कर लें, पहले 4 वाली टर्म लिख लें जिसकी हाइस्ट पावर है, फिर माइनस 5 वाई स्क्वायर आ गया और फिर प्लस 4 आ गया इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इसकी हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मिडिल टर्म कैसे ब्रेक होती है, ये 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 1 क्या होता है 4। ठीक है, अब दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करने पे 4 बने, तो आप बोलेंगे भाई 4 1 क्या होता है 4। क्या 4 और 1 ऐड करने पे 5 बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं, उसका मतलब ये फैक्टर है। अगर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करते तब भी 4 आता, लेकिन 2 और 2 ऐड करने पे 5 नहीं बनते। हमारे पास फैक्टर क्या बने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 को ब्रेक किया 4 वाई स्क्वायर में और 1 वाई स्क्वायर में, 1 लिखते नहीं है सही है, अब साइन कौन सा आएगा, हमें प्लस करके लाना था ना माइनस 5, तो दोनों जगह माइनस लगेगा क्योंकि हमारे पास माइनस का 5 दिया। यहाँ से कॉमन आ गया वाई स्क्वायर, अंदर रह गया, अच्छा ये 4 है, वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर रह गया वाई स्क्वायर माइनस 4। यहाँ से कॉमन आ गया 1, अंदर रह गया वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दो दफ़ा सेम ब्रैकेट लिखा हुआ है, हमने उसको एक दफ़ा लिख लिया और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे आइदर वाई स्क्वायर इज माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है वहाँ चलेगा। अब लास्ट में क्या होगा, इन दोनों के आप रूट ले लें, तो वाई की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। और इसी तरह यहाँ भी ले लें, दोनों तरफ रूट ले लें, तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो वाई की दो वैल्यूज आ गई, वैसे तो 4 आई हैं लेकिन दो दफ़ा लिखा है हमने, ये आ गया। अब क्या करें, अब एक एक करके वाई की दोनों वैल्यूज़ को, ये वाली प्लस में माइनस में कहाँ पुट करना है हमें, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे पुट, क्या लिखेंगे भाई, y इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, अब देखें ये वाली पॉजिटिव 2 पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 3 ये रही, x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन y, x एज इट इज़ 2 एज इट इज़, y की जगह 2 आ गया, दोनों कैंसिल होगा तो x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, ये तो तब 1 आई है तब जब हमने पॉजिटिव 2 पुट किया, अगर हम नेगेटिव 2 पुट करें ना तो पता क्या आएगी स्टूडेंट्स, y की वैल्यू कुछ भी नहीं है, यहाँ माइनस साइन लग जाएगा और x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1 आएगी। तो इसका मतलब y की दो वैल्यूज़ और x की दो वैल्यूज़। अब इधर आ जाएं, ये वाली जो वैल्यू है y की, अब हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, पहले लिख लें 2 अपॉन y है, x इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज़, y की जगह 1, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, उसको हटा दें डिनोमिनेटर में, तो x की वैल्यू 2 आ गई। ये तब आई है जब हमने पॉजिटिव 1 पुट किया, अगर नेगेटिव 1 पुट करते तो क्या आती, x इज इक्वल्स टू माइनस 2। ये हमारे पास सब आंसर्स आ गए, अब हम सॉल्यूशन सेट बनाते हैं, तो ये बन जाएगा सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, पहले एक्स की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी, क्या पुट किया था हमने, पॉजिटिव 2 पुट किया था, ठीक है, फिर एक्स की वैल्यू क्या आई, माइनस 1 आई, क्या पुट किया हमने, नेगेटिव 2 पुट किया, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर एक्स की वैल्यू क्या आई, 2 आई, तब हमने क्या पुट किया, पॉजिटिव 1,
और फिर x की वैल्यू आई हमारे पास -2, जब हमने पुट किया -1 तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया क्वेश्चन नंबर 7।